शासन की जो कार्य योजना है, पहले चरण में आज से 2 वर्ष तक प्रत्येक रविवार को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रातः 10 बजे से लेकर के अपराह्न 2 बजे तक ये स्वास्थ्य आरोग्य मेले का आयोजन हम लोग करेंगे। इन 2 वर्षों की सफलता के क्रम में इन सब के बारे में समीक्षा करने के बाद 2 वर्ष के बाद फिर इस योजना को आगे बढ़ाने के बारे में सरकार के स्तर पर निर्णय होंगे। मैं इसलिए आप सबका आह्वान करूंगा कि योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में अक्सर धारणा होती थी कि यहाँ डॉक्टर नहीं आते, यहाँ दवा नहीं मिलती, यहाँ कोई जांच नहीं होती, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती है, अब हर सप्ताह हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, चेयरमैन, ग्राम प्रधान या जो भी जनप्रतिनिधि है, ये सभी जाकर के उन केंद्रों में भी जाकर के देख सकते हैं और सरकार को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर आ रहे हैं, कौन से में नहीं आ रहे हैं। हर सप्ताह वहां पे आरोग्य मेला लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, ये जागरूकता का एक कार्यक्रम, एक बड़ा अभियान होगा और इस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं प्रदेश के सबसे इस दूरस्थ गांव में आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह हमारे दूरस्थ गांव भी है, ये नौगढ़ का क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लोग आने जाने में डरते थे, लेकिन आज यहां पर नौगढ़ विद्यालय संचालित हो रहा है, यहां पर हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और हर सप्ताह इस प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के पुनरुद्धार के साथ ही वहां पर जब आरोग्य मेले का कार्यक्रम, डॉक्टरों की टीम आकर के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराएगी। जो गंभीर मरीज होंगे उन्हें सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर मेडिकल कॉलेज में रिफर करने की व्यवस्था भी होगी। तो अपने आप में इस स्वास्थ्य क्षेत्र में जागरूकता के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का एक अभियान होगा। भाई बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि आज हमें चंदौली जनपद के इस नौगढ़ क्षेत्र में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी भी इस पर लगातार कहते थे कि आप एक बार नौगढ़ क्षेत्र में आए जरूर, और मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से आज मुझे आपके बीच में यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रदेश के लिए एक अवसर है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016 के बाद हम लोग वर्तमान में 28 मेडिकल कॉलेज मात्र 3 वर्ष के अंदर बना रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके चंदौली जनपद के लिए भी हम लोगों ने एक नया मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया है। इस मेडिकल कॉलेज का भी हम बहुत शीघ्र इस मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए चंदौली जनपद में आएंगे। हमने व्यवस्था की कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके जो डॉक्टर निकलेंगे उनके लिए अनिवार्य होगा कि अपनी डिग्री लेने के बाद कम से कम 2 वर्षों तक सुदूर इन गांवों में जाकर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे सके। आज हर जनपद में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं। 108 और 102 की एम्बुलेंस की सेवा भी हर जनपद में है। इस प्रकार के आरोग्य मेलों के माध्यम से भी बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। प्रयास किया जा रहा है कि हर परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष निःशुल्क 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सके। इतना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कभी नहीं हो पाया और प्रदेश सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो जनपद, अभी हमारे लगभग 16 से 17 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, हम उसके लिए नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं और आगामी 1 वर्ष के अंदर पीपीपी मोड में हम उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं।
मुझे बताते हैं प्रसन्नता है यहाँ सोनभद्र से हमारे माननीय सांसद श्री पकौड़ीलाल कोल जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में उनका संसदीय क्षेत्र सोनभद्र पड़ता है और ये चटिया विधानसभा भी उनके संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। चंदौली में भी हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया और सोनभद्र में भी हमने एक मेडिकल कॉलेज इस सत्र में उपलब्ध कराया है। यानी विकास कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के साथ हम भी अगर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आम जन को इसका लाभ उतनी अच्छे ढंग से उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। आज इतनी ढेर सारी सुविधाएं हरेक क्षेत्र में देने का जो अभियान है, स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर प्रगति हुई है, बेहतर व्यवस्था हुई है। मेरा सबसे अपील होगा कि बीमारी होती है झोला छाप डॉक्टर के पास न जाए, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में जाकर के हम स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा दें। जो भी शासन की योजनाएं है जैसे गोल्डन कार्ड बनाने का, आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में गोल्डन कार्ड बना करके कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए बना लेगा तो वह किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में या इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में जाकर के कार्ड को दिखाएगा, उसी कार्ड के आधार पर उसकी भर्ती हो जाएगी, उसी कार्ड के आधार पर उसकी सभी जांचें हो जाएंगी, उसी कार्ड के आधार पर उसको दवा भी मिल जाएगी। वह कार्ड 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाओं के निःशुल्क उपलब्ध कराने में योगदान दे सकता है और इस दृष्टि से हम सब गोल्डन कार्ड युद्ध स्तर पर बनाने के अभियान का हिस्सा बने। इस दृष्टि से आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपके बीच में आकर के बहुत प्रसन्नता हुई। एक बड़ी योजना को मुझे चंदौली जनपद के इस नौगढ़ क्षेत्र में शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। चंदौली जनपद में इसलिए भी कि चंदौली जनपद नीति आयोग की दृष्टि से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, आकांक्षात्मक जनपद है। आकांक्षात्मक जनपद में जो 6 पैरामीटर नीति आयोग ने बनाए थे कि जिसमें जनपद से सामान्य जनपदों से पीछे है उसमें स्वास्थ्य एक है और स्वास्थ्य के इस पैरामीटर पर हमें लंबी छलांग लगा करके नेशनल एवरेज से भी आगे बढ़ सके। इस दृष्टि इन स्वास्थ्य की दृष्टि जागरूकता की दृष्टि इन आरोग्य मेलों का अपना एक बड़ा योगदान होगा। इस बड़े योगदान की दृष्टि आज के अवसर पर मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। यहां पर आज कुछ बच्चों को अन्नपूर्णा संस्कार उनका यहां पर संपन्न हुआ है, गोद भराई के कार्यक्रम भी संपन्न हुए हैं, आंगनबाड़ी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ती हैं या आशा वर्कर्स हैं इन सबसे मेरी अपील होगी, ये लोग गांव में जाए जहां पर शासन की योजनाओं को आरोग्यता की दृष्टि, स्वास्थ्य जागरूकता की दृष्टि, टीकाकरण के अभियान के साथ प्रत्येक तबके को जोड़ना है, आशा वर्कर की इसमें बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। कुपोषण और किसी भी प्रकार की महिला और बालकों से जुड़े हुए स्वास्थ्य संबंधी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में आशा वर्कर की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। शासन की योजनाएं हैं, योजना पात्रों तक पहुंचे इसमें हरेक विभाग हरेक संगठन अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो कोई कारण नहीं क्या चंदौली जनपद प्रदेश के सामान्य जनपदों में पीछे है, लेकिन अगर इस प्रकार के आरोग्य मेले प्रारंभ हो जाए, स्कूल चलो अभियान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, जिला प्रशासन के द्वारा बैंकर्स कमेटी के साथ बैठ करके फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से रोजगार मेला और मुद्रा योजना, स्टैंडअप योजना, स्टार्टअप योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो जाए, जल संरक्षण के साथ साथ प्रत्येक खेत में सिंचाई की योजना को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, यहाँ के किसानों में व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने,
मेरा ये मानना है आगामी एक वर्ष के दौरान चंदौली जनपद को हम लोग राज्य से ही नहीं बल्कि नेशनल एवरेज से आगे बढ़ाने में सफल हो सकते हैं और नेशनल एवरेज से आगे चंदौली जनपद आगे जाए, इस दृष्टि से आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आज विशेष रूप से लोकल क्षेत्र में आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी को भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको स्वयं आज इस कार्यक्रम में रहना था लेकिन उनका कल संसद में एक प्रश्न लगा है और पहला ही प्रश्न उनका होने के नाते उसकी तैयारी में उनको दिल्ली में रहना आवश्यक था, वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमारे पकौड़ीलाल कोल जी यहाँ पर हैं, साधना प्रसाद जी यहाँ पर हैं, सुशील सिंह जी यहाँ पर हैं, साधना सिंह जी यहाँ पर हैं और हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण आज यहाँ पर हैं, प्रशासनिक और जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा स्वयं यहाँ पर इतनी दूर इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी चिकित्सकों से अपील करूंगा इसको एक मिशन मोड में ले, हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिन चिकित्सकों की ड्यूटी हो वे जाकर के 10 से 2 बजे के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, हर जो भी पेशेंट आता है उसको परामर्श देना और जो दवा की उपलब्धता प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की गई है, हर पात्रता के अनुसार हर व्यक्ति को ये दवा उपलब्ध कराने में और शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक निसंकोच बिना भेदभाव पहुंचाने में आप सब अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति और इन आरोग्य मेलों को शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करके उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के पैरामीटर पर एक लंबी छलांग लगा करके नेशनल एवरेज से अच्छा एक आंकड़ा देश के सामने, नीति आयोग के सामने, भारत सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग प्रस्तुत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कोटि सर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर जनसभा को संबोधित किया, इसके साथ ही आरोग्य स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और इस दौरान सीएम ने कहा कि आज से ही आरोग्य योजना लागू हो गई है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच की जाएगी तो सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है और ये अधिकार सरकार भी उनको दे रही है जिसके तहत हर रविवार 10 से 2 बजे तक ये सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान नौनिहालों का अन्नप्राशन किया गया, साथ ही महिलाओं की गोद भराई भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो ये इस वक्त की तस्वीरें जब आरोग्य स्वास्थ्य मेला जिसका शुभारंभ कुछ देर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच होगी और सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है और ये अधिकार खुद सरकार भी आम लोगों को देती है। तो हर रविवार 10 से 2 बजे तक ये सुविधाएं वहां पर उपलब्ध रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें चंदौली के दौरे पर जहां सीएम योगी ने कहा कि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी सुविधा मिले इसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार। 56 लाख लोग योजना में शामिल हुए हैं जहां चंदौली में भी हमने मेडिकल कॉलेज दे दिया है। तो विकास बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस विकास को और भी आगे बढ़ाते चले जाना है जहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधा लोगों को मिली है और मिल रही है और आगे भी इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। तो जन आरोग्य मेले का शुभारंभ आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए किया गया है जहां पर आयुष्मान भारत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी यहां पर बांटे गए हैं। तो साथ ही नौनिहालों का अन्नप्राशन किया गया और महिलाओं की गोद भराई भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। तो अमदहा और देवखत में जनसभा को संबोधित यहाँ पर किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए जहाँ पर भव्य मंच और पंडाल बनाकर तैयार किया गया। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए और सुविधा ऐसी जिससे लोगों का बेहतर इलाज हो पाए, तमाम व्यवस्थाएं मिल सके बेहतर इलाज के लिए, ये कहीं ना कहीं प्रयास यहां पर किए गए हैं।